गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। भारत सरकार के द्वारा पीएफआई संगठन को 5 साल के बैन करने पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले संगठनों के खिलाफ इसी तरह की होनी चाहिए कार्रवाई। आगे भी होती रहे कार्रवाई, तभी ऐसे संगठनों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। बच्चा चोरी करने वाले गिरोह के 7 अभियुक्तों को तिवारीपुर थाने व एसओजी टीम ने किया गिरफ्तार। चोरी का बच्चा, 45,000 रुपए नगद, 1 4-पहिया वाहन किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। सदर सांसद रवि किशन शुक्ला की तहरीर पर कमला बिल्डर के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा किया गया दर्ज। बकाया रुपए का चेक बाउंस होने पर दर्ज किया गया मुकदमा। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। डेंगू लार्वा सर्विलांस सोर्स रिडक्शन के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम की संयुक्त टीम ने चलाया अभियान। लगभग 173 घरों पर 16 दुकानों में डेंगू के लार्वा पाए जाने पर दिया गया नोटिस। कराया गया एंटी लार्वा का छिड़काव व डस्टिंग। कहा, डेंगू से बचने के लिए जनता को प्रचार प्रसार के जरिए किया जा रहा है जागरूक। जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक सांसद कमलेश पासवान की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा, शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का कराया जाए व्यापक प्रचार प्रसार, ताकि जनमानस को शासकीय योजनाओं की बेहतर हो सके जानकारी। एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में एसजेपीयू व एएचटीयू की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक हुई संपन्न। कहा, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन एसओपी अनुसंधान एवं अभियोजन, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा विवेचक के समक्ष आ रही समस्याओं पर हुई चर्चा, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन बुधवार को जगत जननी माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा देवी का गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में विधि विधान से पूजन अर्चन हुआ संपन्न। आरती एवं क्षमा प्रार्थना के बाद वितरित किया गया प्रसाद। महान क्रांतिकारी अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अर्पित किया श्रद्धा सुमन। एमएलसी एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, इन सेनानियों ने जो सपना देखा था उनको पूरा करने के लिए सभी को होना चाहिए संकल्पित। मादक पदार्थों के साथ 2 अभियुक्तों को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 8 किलोग्राम नाजायज गांजा किया बरामद, भेजा जेल। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर बौद्ध संग्रहालय में गोरखपुर विषय पर छायाचित्रों की लगाई गई प्रदर्शनी। लोगों ने प्रदर्शनी में पहुंचकर प्रदर्शनी का लिया आनंद। और न्यू आयुक्त न्यायालय अधिवक्ता समिति का शपथ ग्रहण समारोह एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सकुशल हुआ संपन्न। जनार्दन श्रीवास्तव अध्यक्ष, राम प्रवेश यादव मंत्री सहित अन्य सदस्यों ने पद व गोपनीयता की ली शपथ। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार ने पीएफआई संगठन को 5 साल के लिए बैन किया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने जिस तरह से पीएफआई को बैन किया है, उससे यह सिद्ध होता है कि कोई भी संगठन देश विरोधी गतिविधियों में अगर लिप्त होगा तो उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे संगठन देश की सीमा व सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे संगठन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएफआई संगठन पर छापे के दौरान जिस तरह से सामग्री बरामद हुई है, उससे सिद्ध होता है कि वह पूरी तरह से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे और देश के खिलाफ कार्य कर रहे थे। ऐसे कार्रवाई का हम सभी स्वागत करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने जिस प्रकार के फैसले लिए हैं, देश के अंदर कोई भी संगठन या कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होगा, उसके खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए जो देश की सुरक्षा के साथ, देश के
सीमा के साथ खिलवाड़ करता हो, ऐसे तत्वों के खिलाफ ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और जिस प्रकार से पूरे देश में छापामारी के बाद जिस प्रकार के सामग्री वहाँ से बरामद हुई है, जिस प्रकार से उनके पास से पत्रक और चीज़ें उनके पास से बरामद हुई हैं, वो निश्चित रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पूर्णतया लोग लिप्त हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। तिवारीपुर थाने व एसओजी टीम ने बच्चा चोरी करने वाले गिरोह के 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अनिल पासवान पुत्र रामदुलारी पासवान निवासी नैतन चुकिया बाजार थाना चिलाताल जनपद गोरखपुर, दूसरा जितेंद्र भारती पुत्र स्वर्गीय सेतु निवासी राजेंद्र नगर पश्चिमी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर, तीसरा अनुराधा मिश्रा उर्फ गोल्डी पत्नी मनोज मिश्रा निवासी भैंसवा बाजार थाना बासगांव जनपद गोरखपुर, हाल पता किटारे का मकान एम्स के पीछे गली नंबर 5 थाना कैंट जनपद गोरखपुर, चौथा शेखर तिवारी पुत्र सुहास तिवारी निवासी सेखवारा थाना गोहना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ, पांचवा अंकित मिश्रा पुत्र विनोद निवासी मठिया थाना हाटा जनपद कुशीनगर, छठवा इलियास खां पुत्र इस्लाम खान थाना गगहा जनपद गोरखपुर, सातवा पुष्पा देवी पत्नी राजेंद्र मिश्रा निवासी चांदापार थाना महुली जनपद संत कबीर नगर के रूप में हुई है, जिनके पास से चोरी के शिशु 45,000 नगद एक चार पहिया वाहन को बरामद किया गया। एसपी सिटी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तगण एक संगठित गिरोह चलाते हुए आर्थिक रूप से लाचार व्यक्तियों से संपर्क बनाते हुए उनकी लाचारी का फायदा उठाते हुए उनके शिशुओं को बहला फुसला कर कुछ पैसों के लालच देकर बच्चे को ले लेते हैं तथा एनजीओ की आड़ में उक्त शिशु का सौदा कर देते हैं। इसी क्रम में दिनांक 26 सितंबर को थाना क्षेत्र के डोमिनगढ़ बंधे पर बच्चा चोरी करने की सूचना प्राप्त हुई, जिसकी जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि बाल शिशु गृह अनाथ आश्रम नाम की एक संस्था चलाने वाले व्यक्ति शेखर तिवारी व गिरफ्तार अन्य अभियुक्तगण के मध्य बच्चे के लेन देन हेतु कुछ राशि तय हुई थी। वादनी द्वारा बच्चा देने से इनकार करने पर अभियुक्तगण द्वारा जान माल की धमकी देते हुए बच्चे को जबरन लेकर चले गए तथा बच्चे के एवज में वादनी को 45,000 रुपए दिए, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में तिवारीपुर थाना प्रभारी मदन मोहन मिश्र, वरिष्ठ उप निरीक्षक भूपेंद्र तिवारी, हेड कांस्टेबल संजय सिंह, कांस्टेबल आनंद किशोर, अमरजीत, शुभम चौधरी, दीपक यादव, महिला कांस्टेबल नेहा सिंह, सबिता सिंह पूनम, एसओजी टीम प्रभारी मनीष यादव, हेड कांस्टेबल राम इकबाल राव, राजमंगल सिंह, मोहसिन खान, करुणापति तिवारी, रणवीर सिंह, अरुण खरवार, रवि चौधरी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, चलिए ड्राइवर भी किराए का है, 3500 रुपए किराए पे आया। किस किस को लाए? गोरखपुर के थाना तिवारीपुर में 26/9/2022 की शाम के समय एक सूचना मिली कि एक बच्चा चोरी हुआ है और एक गाड़ी क्षतिग्रस्त की गई थी। तो इस संबंध में थाना तिवारीपुर पुलिस द्वारा तुरंत एक्शन में आते हुए हम मौके पे गए एवं जिन लोगों के साथ जनता ने पिटाई की थी उनको भी हॉस्पिटल ले जाया गया एवं बाद में सघन पूछताछ के बाद में पता चला कि ये लोग मऊ के एक अनाथालय से यहाँ पे एक बच्चे को देखने के लिए आए थे और उसके लिए बच्चे का 45,000 रुपये में सौदा हुआ था। इसके बाद में पुलिस धरपकड़ में लगी कि बच्चा कहाँ है और धीरे धीरे जब एक कड़ी से कड़ी जुड़ती गई तो पता चला कि एक जितेंद्र भारती नाम का व्यक्ति है जो कि एक गोल्डी नाम की महिला है जो उसको उसके माध्यम से बच्चों का पास्ट में भी करीबन 20-25 बच्चों के फ़ोटो इसके मोबाइल से मिले हैं। ये अभी तक पता नहीं चला है कि क्या ये महिला इस तरह के बच्चों को बेचने का कार्य करती थी या नहीं करती थी, लेकिन अडॉप्शन के नाम पे दिलाने का कार्य अभी तक इसके द्वारा किया जाना प्रकाश में आया है। यह मनीष इलियास अंकित के माध्यम से मऊ में चलाए जा रहे अनाथालय में बच्चों को अडॉप्शन के देने के लिए बात एक प्रकाश में आई है।
इनके द्वारा एक 25 वर्षीय महिला साहिदा खातून जो कि अभी अपने पति से सेपरेटेड तरीके से रह रही हैं, इनका 10 माह का बच्चा अंश, उसको एज ए ठगी के रूप में इन लोगों के द्वारा प्रयास में किया गया। और इन लोगों द्वारा 26 तारीख की शाम को डोमिनगढ़ के पास में एक ठगी का एक कार्यक्रम रचा, जिसके माध्यम से पता चला कि इन लोगों को मऊ से बुलाया गया, डोमिनगढ़ पे वहाँ खड़ा किया गया, बाद में 45,000 रुपये आदान प्रदान किए गए, बच्चे को गाड़ी में रखा गया। उसके बाद में एक अंकुश सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा चिल्लाया गया कि बच्चा चोर, उसके बाद में वहाँ की लोकल जनता द्वारा उस गाड़ी पर अटैक किया गया, बच्चा चोर का स्केयर देखते हुए, और बच्चे को वहाँ से फिर गाड़ी में लेके वो लोग फरार हो गए। बाद में पुलिस ने इसको बरामद किया, बच्चे को भी 7 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, और टोटल कुछ 13 अभियुक्त हैं, जिनको 6 और नफर हैं उनको पुलिस जो है गिरफ्तारी में लगी हुई है। SSP महोदय द्वारा आज की इस खुलासे के लिए तिवारीपुर पुलिस की अच्छी वर्कआउट के लिए 20,000 रुपये का नगद इनाम दिया जा रहा है। उस महिला द्वारा ही वही इस केस की वादिनी है, उस महिला को बिल्कुल भी जानकारी नहीं था कि उसके बच्चे को मोहरा बनाकर इस तरह की ठगी का प्रयास किया जा रहा है। महिला को जानकारी नहीं थी कि बच्चा बेचा जा रहा है, अभी तक यही प्रकाश में आया है कि वो वहाँ से देखने आए थे। 45,000 रुपये का आदान प्रदान हुआ है, इसका मतलब यही है कि उन लोगों द्वारा ज़रूर अपने स्तर पे बच्चे को बेचा गया था, लेकिन पेरेंट्स को नहीं पता था, उसकी माता को नहीं पता था कि उसके बच्चे को ये इस तरह का आदान प्रदान हुआ है। जो लोग गिरफ्तार हुआ है उनका आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन जिन लोगों द्वारा बच्चे को उसमें वहाँ से उठा के लेके जाया वो लूट के कई मुकदमों में वांछित है। ये मुकदमा 311 ठगी, 311 IPC ठगी, 327 एक्सटोर्टिंग समन बाय रॉन्गफुली हर्टिंग समन, एंड 506 120B और 34 जॉइंट लाइबिलिटी IPC के माध्यम से ये मुकदमा दर्ज किया गया है। हम तिवारीपुर थाना पुलिस को इस तरह के अच्छे कार्य के लिए बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू। ये अनाथालय जो कि मऊ में चलाया जा रहा है, मोहम्मदाबाद मऊ में, इसकी जांच के लिए एक CO बांसगांव को नामित किया गया है कि वो जाके आज तक जितने भी बच्चे अडॉप्ट किए गए क्या उसमें प्रोसीजर ड्यूली फॉलो किया गया या नहीं किया गया है। बिल्कुल ये एक संदेह का विषय है कि भारत सरकार द्वारा बच्चों के अडॉप्शन के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस ले की गई हैं, उस गाइडलाइंस के तहत एक अनाथालय के लोग यहाँ पर बच्चे को देखने आए, और वो किस मकसद से आए वो एक विवेचना का विषय है जो विवेचना में किया जाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया बिल्कुल संदेह के घेरे में ये अनाथालय भी है। सदर सांसद रवि किशन शुक्ला की तहरीर पर कैन थाने में कमला बेलजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि कैन पुलिस को 12 सितंबर को सांसद रवि किशन शुक्ल द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया कि 2012 में कमला बेलजर मुंबई को 3,25,00,000 दिया गया था, उसमें उसने रुपए लौटाने के बदले 34,00,000 रुपए के 12 चेक दिए थे, जिसमें एक चेक इंडियन बैंक गोरखपुर का दिया था जो कि बाउंस हो गया है। उसके आधार पर उन्होंने कैन थाने में तहरीर दिया, जांच के बाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के कैंट थाना पुलिस को 12 सितंबर 2022 को सांसद श्री रवि किशन शुक्ल द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया कि 2012 में एक कमला बिल्डर मुंबई को 3,25,00,000 रुपए दिए गए थे, उसने और रुपए लौटाने के एवज में 34,00,000 रुपए के 12 चेक दिए थे, उनमें से एक चेक इंडियन बैंक गोरखपुर यहाँ पे दिया था, वो चेक बाउंस हो गया। उसके आधार पर उन्होंने यहाँ पे कैंट थाना में तहरीर दी, तहरीर जांच उपरांत उसमें प्रथम दृष्टया अभियोग 406 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, थैंक यू। जिला अधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम की संयुक्त टीम के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में टायरों एवं कबाड़ी की दुकानों में डेंगू लार्वा सर्विलांस सोर्स रिडक्शन के लिए अभियान चलाया गया तथा साथ ही एंटी लार्वा का छिड़काव व डस्टिंग कराया गया, जिसके संबंध में जिला मलेरिया अधिकारी अंगद सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान करीब 3,000 टायरों का संरक्षण किया गया है, जिसमें लगभग 173 घरों में डेंगू के लार्वा पाए जाने पर 16 दुकानदारों को नोटिस भी दिया गया। साथ ही हिदायत भी दिया गया कि टायरों को हटा लें या त्रिपाल व पॉलिथीन से ढक कर रखें। उन्होंने कहा कि मच्छर से बचने के लिए कूलर में पानी ज्यादा दिन तक ना रखें, फ्रिज के पीछे रुके हुए पानी को साफ करते रहें, अपने मकान पर गमलों में तथा अन्य खाली जगहों पर पानी को इकट्ठा ना होने दें, अगर कहीं पर पानी इकट्ठा होता है तो वहां पर एंटी लार्वा का छिड़काव अवश्य करें। उन्होंने कहा कि डेंगू से बचने के लिए जनता को प्रचार प्रसार के जरिए जागरूक भी किया जा रहा है तथा
डेंगू व अन्य मच्छर जनित रोग की जांच के लिए समुदाय केंद्र पर 19, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 23 तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 127 हेल्थ वेलनेस सेंटर पर्याप्त मात्रा में मलेरिया एवं डेंगू टेस्ट के उपलब्ध हैं, जिससे बुखार के रोगियों का निःशुल्क त्वरित जांच कर उपचारित किया जा सके, साथ ही एपिडेमिक से भी बचा जा सके। अभियान के दौरान नगर स्वास्थ्य अधिकारी मुकेश रस्तोगी, सहायक मलेरिया अधिकारी सीपी सिंह, वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक प्रवीण कुमार पांडे, मलेरिया निरीक्षक सुरेंद्र प्रसाद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह एवं जिला मलेरिया अधिकारी अंगद सिंह ने कहा, स्वास्थ्य विभाग की टीम है और नगर निगम की टीम है, आप लोग इसको टायर ऐसे क्यों रखे हैं? क्यों रखे हैं? टायर या तो हटाओ या टायर या तो कवर कराओ, या तो टायर कटेगा और या तो हटेगा, कवर करो पहले शहर के अंदर, और अभी मरना स्टार्ट हो गया तो आपके खिलाफ चलिए ठीक नहीं है, हमें आप समय बताइए, आप कल तक अगर नहीं हटता है अशोक चार पाँच गाड़ियाँ ना उठा के लेकर हम काट देंगे, हम मतलब आप मत काटो, ये सुनकर गाड़ी मंगवाओ, इसको अभी तत्काल उठाओ, और एक पूरी दुकान के अंदर पानी बटा बटा भरा रहता है, कहने पर मानते भी नहीं है और लाके जमा भी करता है, मार वो दवाई मारता भाई, दवा वाले इधर आओ, अरे यार सर इसमें पहले मरवाए सर, टाइम इसमें डेंगू है लक्ष्मी, बिल्कुल साफ है, आता किसका था रोग पाटे सर, सब में है यहां पे, सब में कवर कर लीजिए, तुम आदर्श को ले बैन लो, हां मीटर आगे थोड़ा बैन लो, अरे इनके मालिक भी तो होंगे, इनके मालिक तो होंगे, नहीं यही मालिक है, ये सुमो साहब के घर में और ये पानी नहीं रहना चाहिए, सवाल हमें बताओगे वो अतक्रमण में हम चालान करेंगे, हटा के कहाँ रखें, हटाने का मैं अतक्रमण में रखेंगे, कितने गोदाम में आपको पानी, कितना गोदाम में आपका गोदाम का, सबसे पहला काम जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इसको काटिए पानी निकाल दीजिए, किसी टायर में पानी नहीं रहना चाहिए, तो आप पहले उसको हाथ कब तक करेंगे, ये चक्कर लो पांडे को बता दूंगा, नहीं होता है उठवा के जमा कर, उठवा के जमा कर दो, कटवा देंगे, चिंता मत करो, और नहीं तो फिर चलान कटेगा, तो फिर 5,000-10,000 का आपके 5,000 देना पड़ेगा। कौन है मालिक, कौन है जो मालिक है मेरे सामने आ रहा है, क्या नाम है आपका, मोहम्मद साहब, डेंगू फैल चुका है, अब आगे आप बढ़ाएंगे, आप पानी तुरंत, ये तो आपको पहले से पता चाहिए, ये पहली बार तो हो नहीं रहा शहर में, हर साल होता है, तो क्यों नहीं आप, तो ढाक क्यों नहीं रखा, हटो या तो हटाओ या तो आप ढाक के क्यों नहीं रखा, और या तो उसको ढकवाओ, किसी
इनको बस समझा दो क्या क्या करना है, तुरंत पहले 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 मलेरिया से बचाएं और साइन करिए। रुक जा, ये अभी आपको नोटिस दिया जा रहा है ताकि आप 100 दिन के अंदर सही कर लें, इसके बाद सलाह करेंगे। ये एक्चुअली आज अभियान कल एक मीटिंग डीएम साहब ने रखी थी और उसमें सीडीओ साहब थे, हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी साहब थे, प्लस सीएमओ साहब के जो रेप्स हैं डॉक्टर अंगद सिंह साहब थे, नगर निगम की पूरी टीम थी। अभी जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेंगू का प्रकोप अगल बगल डिस्ट्रिक्ट में फैल चुका है, तो उससे अपना जो गोरखपुर है वो भी अछूता नहीं रहेगा। तो उसी के तहत आज रात को ये मीटिंग हुई है चीफ सेक्रेटरी की। चीफ सेक्रेटरी मीटिंग में डीएम साहब को ये चीज़ें पता लगी हैं और उसके बाद तत्काल पूरे शहर की जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं हम लोग की मीटिंग शाम को डीएम साहब ने ली है। उसमें ये तय किया कि कल से ये डेंगू के तहत हम लोग अभियान चलाएंगे। उसमें हमारे साथ सीएमओ रेप हैं डॉक्टर अंगद सिंह साहब और डॉक्टर मुकेश रस्तोगी साहब, हमारे जो ये अपने सफाई निरीक्षक हैं एसआई सोनकर साहब, प्लस हमारी ईटीएफ की टीम है। तो हम लोग आज जितने जो इसके मैक्सिमम जो डेंगू जो पनपता है वो ज़्यादा डिटेल में डॉक्टर साहब बताएंगे, बट जो मेरी अपनी समझ है कि जहाँ भी पानी का जमाव हो जाएगा 100% डेंगू फैल जाएंगे। और ख़ासतौर जो फैलते हैं जैसे कूलर्स की जगह है, जो कूलर्स हैं टायर्स हैं बाकी वैसी जगह पे जहाँ पे पानी कबाड़ है, तो हम लोग आज दो चीज़ों पर एड्रेस कर रहे हैं। एक तो पूरे टायर वालों को मैं फोकस कर रहा हूँ और दूसरे जितने कबाड़ी हैं शहर के अंदर उन पर फोकस कर रहे हैं। तो उन पर हमारे साथ टीम है जो एक चल रही है कि जो संचारी रोग की आप देख रहे हैं जिसमें मैराथन है, बाकी जो तमाम जो हमारे पास इसके बाद एंटी लावा के वो चीज़ें हैं, चूना है, इसके बाद तमाम चीज़ें शाम को उसका फॉगिंग भी हम लोग करेंगे। तो जो नगर साहब ने बोला है तो हम लोग पूरा अपना रोकथाम ले रहे हैं। इससे पहले हम लोग रोकथाम प्रिकॉशन कोई जैसे बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम उसी के तहत पे ये काम कर रहे हैं। तो अभी ये टीम अभियान चलता रहेगा, तो जहाँ जहाँ आज हमारा जो हिसाब का बताया मैंने सिर्फ टायर पर फोकस करेंगे कबाड़ पर मिली हैं, ऐसे चार आदमी हैं जिनको डॉक्टर साहब बताएंगे और डॉक्टर साहब बताएंगे कि बिल्कुल उसके अंदर मच्छर मिले हैं। और आपको भी हमने वो एड्रेस किया दिखाया है कि जहाँ पे वो लार्वा मतलब वो बिल्कुल साफ दिख रहा है, और अगर एक बार गलती एक को हुआ तो ये बड़ी तेज़ी से चीज़ फैलती है क्योंकि लार्वा बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। और बेसिकली जो शहरी क्षेत्र में है वो हमारे टायर्स और कबाड़ की दुकानें हैं, शहरी क्षेत्र में लोग कूलर जो रखते हैं उसको है। तो सभी जनता से अभी हमारे जनपद वासियों से यही अपील है कि आप लोग कूलर में टायर्स में और कबाड़ों में पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि यही पानी में डेंगू के लार्वा पनपते हैं। और एक बार जब डेंगू के मच्छर पनप जाएंगे और कहीं कोई भी बीमारी फैलेगी तो इसके लिए जिम्मेदारी इन लोगों की होगी। इसलिए अभी आज हम लोगों ने 10 लोगों को नोटिस भी काटा है और नगर आयुक्त साहब की तरफ से हमारे कर्नल साहब और हमारे डॉक्टर रस्तोगी साहब और हम सभी लोग मिलकर के ज्वाइंट टीम मिलकर के अभियान चला रहे हैं, लोगों को अवगत करा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। आज नोटिस काटा जा रहा है और यदि अगर 2 दिन में ये टायर को नहीं हटाते हैं तो इनका चालान किया जाएगा ताकि हम जनपद को शहरवासियों को इस डेंगू से बचा सकें। सांसद कमलेश पासवान ने कहा कि शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए ताकि जनमानस को शासकीय योजनाओं की बेहतर जानकारी हो सके। उन्होंने कहा कि योजनाएं गरीबों के हित में संचालित की जाती हैं और उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, कोई भी पात्र लाभार्थी शासकीय योजना से वंचित न रहने पाए। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी कार्य कराए जाए उसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों को अवश्य दी जाए। श्री पासवान ने यह भी कहा कि बैठक में लिए गए निर्णयों का 100% अनुपालन समयबद्धता के आधार पर अवश्य किया जाए। उक्त बातें सांसद कमलेश पासवान ने एनएक्सी सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। इस अवसर पर उन्होंने भारत सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का विधिवत समीक्षा किया तथा जनप्रतिनिधियों के सुझावों को सुनने के पश्चात संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समयबद्ध ढंग से दिए गए निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित हो। उरवा में धुरियापार मार्ग की प्रगति धीमी पाए जाने पर अध्यक्ष द्वारा नाराजगी प्रकट की गई तथा संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध समिति द्वारा कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए गए।
कौड़ीराम से गजपुर मार्ग को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दिया गया। कौशल विकास मिशन की समीक्षा के दौरान अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 3 अगस्त को जनपद में एक वृहद रोजगार मेले के माध्यम से 5,000 से अधिक युवाओं युवतियों को रोजगार से जोड़ा गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन के संबंध में बताया गया कि जनपद में 1 अप्रैल 2022 में कुल 1,48,508 लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त हो रही है, जिनका सत्यापन कराए जाने के उपरांत मृतक अपात्र कुल 5,626 पाए गए। वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत 20,452 नवीन लाभार्थियों की स्वीकृति करा ली गई है। इस प्रकार कुल 1,63,334 लाभार्थी हैं। निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 प्रथम तिमाही में कुल 66,197 लाभार्थी को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्ष 2017 से 2021-22 तक कुल 52,085 आवास स्वीकृत तथा 51,626 पूर्ण हुए हैं तथा 459 अपूर्ण हैं। स्वच्छ भारत नगरीय के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय निर्माण के संबंध में नगर निगम द्वारा बताया गया कि शासन द्वारा स्वीकृत 30 सीट के पिंक टॉयलेट जो कि ओपन जिम वाले पार्कों में बनाए जाने हैं, जिसके लिए 6 पार्कों लाल डिग्गी, पंत पार्क, लक्ष्मीबाई पार्क, अम्बेडकर पार्क, वी पार्क एवं हालसीगंज पार्क का चिन्हीकरण कर लिया गया है। अध्यक्ष ने कहा कि शीघ्र ही कार्य प्रारंभ किया जाए। इस अवसर पर सदस्य सांसद रवि किशन शुक्ल ने सुझाव दिए कि जनपद स्तर पर हर कार्यालयों में जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर बनाया जाए तथा उस पर कृत कार्रवाई का अंकन सुनिश्चित हो और इसकी मॉनिटरिंग हेतु एक नोडल अधिकारी भी नामित किए जाएं। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने अध्यक्ष सहित उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि दिए गए निर्देशों का समयबद्ध ढंग से शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। बैठक में सांसद खलीलाबाद प्रवीण कुमार निषाद, क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, राजेश त्रिपाठी, डॉ. विमलेश पासवान, श्री राम चौहान, प्रदीप शुक्ल, कैंपरगंज विधायक प्रतिनिधि गणेश दत्त त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख गढ़ एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि गढ़ के अलावा मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीना, IAS प्रशिक्षु शांश्वत त्रिपुरारी सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO संजय कुमार मीना ने कहा, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, इस दिशा की मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मंजिलाधिकारी माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद बांसगांव का मुख्य देखकर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। जिलाधिकारी सांसद बांसगांव माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हैं। जिलाधिकारी महोदय, माननीय सांसद गोरखपुर का स्वागत करते हुए, मुख्य विकास अधिकारी महोदय नवीन नगर का और साथ में माननीय विधायक एकता को मुख्य विकास अधिकारी करें। माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण से विपिन सिंह का स्वागत करने का कष्ट करें। से लोग DM सर का एक बार दूसरे का स्वागत करने का कष्ट करें। इसके बाद प्रमुख गणों का स्वागत करने का कष्ट करें। एक अपुष देकर सभी हमारे सामने हैं, सभी सम्मानित कर खुशी की बात है। नवरात्र में हम लोग ईशान बैठक कर रहे हैं। ये इस द्वितीय वर्ष का आपको नहीं बता रहे कि द्वितीय वर्ष के दूसरा ये दूसरी बैठक है, एकदम ही टाइम बैठक रखा है। हमें एक बैठक जून तक करनी चाहिए और एक बैठक सितंबर तक करनी चाहिए। वो हम जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष नवनिर्वाचित रंची आदमी डॉक्टर रविंद्र सिंह जी का भी मैं सभी जनप्रतिनिधियों का, आदरणीय श्री प्रवीण साध जी का, अपने सभी माननीय प्रदीप जी का, श्रीमानी विधायक जी का, बांसगांव उमेश जी का, बहन जी का, विपिन सिंह जी का सबका स्वागत करते हुए अनुरोध करूँगा। सर सर और उसके बाद नहीं कर पाएंगे।
बैठे हुए हैं वो लोग भी सोचते होंगे कि सांसद जी एक ही काम के लिए पिछले दो साल से कह रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य है कि काम नहीं हो पा रहा है। पिछली बार सांसद जी ने एफ आई आर करने के लिए भी कहा था सर, पिछले जब से वो सड़क बनी है तब से एक बार भी एक पावड़ा भी जिसकी कहेंगे खांसी भी नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं हुआ। वो जब कॉन्ट्रेक्टर जब दबाव बनता है तो आप लोगों को बताता है कहीं बैठा दिया गया है, वो वहाँ पे हालत बेहद खराब हो सड़क की। पिछली बार भी आप लोगों ने यही कहा था कि सड़क पर उचित करा देगा, लेकिन विवाद और फिर तब पब्लिक को राहत कैसे चार साल से मैं सड़क के पीछे पड़ा हुआ हूँ। आज बैठक आयोजित की जा रही है, वो दिशा की बैठक है जिसे हम जिला स्तरीय विकास एवं अनुश्रवण समिति कहते हैं, उसकी बैठक आयोजित की जा रही है जिसके अध्यक्ष माननीय सांसद बांसगांव हैं तथा सह अध्यक्ष माननीय सांसद सदर और माननीय सांसद संत कबीर नगर हैं, जिसमें सभी जनप्रतिनिधिगण सारे विभाग के अधिकारीगण होते हैं और इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित एजेंडा होता है उसी पर रिव्यू किया जाता है। अन्य कोई बिंदु अगर जो अध्यक्ष महोदय उनकी अनुमति से कोई अन्य बिंदु ऐड करना चाहें तो ऐड किया जा सकता है। एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के सभागार कक्ष में एसजेपीयू व एएचटीयू की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक की गई, जिसके संबंध में एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि एसजेपीयू एवं एएचटीयू की मासिक बैठक की गई है जिसमें महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन एसओपी अनुसंधान एवं अभियोजन बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा विवेचक के समक्ष आ रही समस्या पीड़ित के आवासन बाल श्रम और भिक्षा की रोकथाम बच्चा चोरी की अफवाहों पर डीजी द्वारा जारी परिपत्र किशोर न्याय अधिनियम 2015 से हुए नवीनतम संशोधन पॉक्सो एक्ट के मुकदमे पंजीकृत करते समय से कार्रवाई और बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य विशेषज्ञ बाल संरक्षण बाल कल्याण समिति अभियोजन अधिकारी कारागार विभाग न्याय विभाग चिकित्सा विभाग श्रम विभाग शिक्षा विभाग चाइल्ड लाइन शेल्टर होम थाना एएचटी सहित सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा ऐसा कोई है जिसने अभी तक ये फॉर्म ना भरा हो, इसने ऐसी वेस्ट नहीं की है जिसमें फॉर्म भरने की आवश्यकता पड़ी हो, आप लोगों में से ऐसा कोई है जिसने फॉर्म नहीं भरा? यह फॉर्म है कि रात को अगर एक वन नाइट इसमें लिखा गया था कि रात भर संरक्षण प्रवास कि एक रात के लिए किसी बच्चे को आश्रय देने की जरूरत में नहीं आ पाया है। फॉर्म हिंदी में है, ये पॉक्सो में पॉक्सो की जितनी भी केसेस आपके पास आता है उस केसेस में आपकी जो प्रक्रिया ये क्या है कि पॉक्सो का रूल जो गैजेट में आया है तो उसमें ये मेंशन कर दिया गया है कि प्रारूप के ये प्रारूप का ये है और प्रारूप का ये टेबल में इस तरह से है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अपनी तरफ फॉर्म अलग से दिए गए आप उसका प्रिंट आउट निकाल लिए और यूज में ले आए, इसमें ये मेंशन किया गया है आपको खुद अपने पुलिस स्टेशन में टाइप करवा के ये फॉर्म्स बनाने होंगे। पहला फॉर्म जो है प्रारूप का है वो कहता है कि इतनी तरह की अधिकार है उस पीड़िता को के लिए बच्चे के लिए चाहे लड़का हो चाहे लड़की जिसको आप बताएंगे ये सारी चीजें और उपलब्ध कराएंगे ये सारी सुविधाएं, जैसे एफआईआर की प्रति उसको देना है प्राप्त करना, बेसिकली ये सारे सवाल इस तरह से लिखे गए हैं कि हम बच्चा जो है इस पे कंसेंट दे रहा है कि एफआईआर की प्रति उसको प्राप्त हो गया है, पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण उसको प्राप्त हुआ है, सिविल अस्पताल पीएससी आदि से शीघ्र और निःशुल्क चिकित्सीय परीक्षण प्राप्त करना, मानसिक और मनोवैज्ञानिक कुशलता के लिए परामर्श और सलाह प्राप्त करना, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बालक के बयान की रिकॉर्डिंग के लिए बालक के घर या बालक के लिए सुविधाजनक किसी अन्य स्थान प्राप्त करना, जब अपराध घर या संयुक्त परिवार में हुआ हो जहां बालक का किसी व्यक्ति की निगरानी से भरोसा उठ गया हो वहां से बाल देखरेख संस्थान में स्थानांतरित होना, CWC की सिफारिश पे तत्काल सहायता और मदद पाना,
मुकदमे के दौरान और अन्यथा आरोपियों से दूर रखा जाना, जहां आवश्यक हो दुभाषीय या अनुवादक प्राप्त करना, अक्षम बालक या अन्य विशिष्ट बालक के लिए विशेष शिक्षक पाना, निशुल्क विधिक सहायता पाना, बाल कल्याण समिति द्वारा समर्थन व्यक्ति को नियुक्त किया जाना, समर्थन व्यक्ति सपोर्ट पर्सन, ठीक है, वो बाल कल्याण समिति नियुक्त करते हैं, शिक्षा जारी रखना, निजता और गोपनीयता कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, हम सभी को पता है, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक सहित महत्वपूर्ण संपर्क नंबरों की सूची पाना, ये भी उनको प्रोवाइड करना है। इसमें बीच में एक दो जगह CWC की भी बात आई, इसकी कॉपी के साथ प्रारूप खा भर कर इसकी कॉपी के साथ और प्रारूप खा बाल कल्याण समिति को आपको भेजना। के परिणाम स्वरूप शैक्षिक अवसर का नुकसान हुआ है, क्या दुर्व्यवहार एक अलग थलग घटना थी क्या, या क्या यह दुर्व्यवहार समय के साथ हुआ था? उसमें तो आना नहीं है, तो जब आप टाइप करवा कर अपने फॉर्म्स डेवलप करेंगे पुलिस स्टेशन में, तो उस स्पेस उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। उसका PDF फाइल शेयर किया गया है, तो इन सबके साथ शेयर किया आज ये SGPU की बैठक हुई थी जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स के लोग सम्मिलित हुए थे। ये एक तरह की कोऑर्डिनेशन मीटिंग है। इसमें जो बच्चे भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो रहे हैं या नशे आदि हो रहे हैं उनके ऊपर भी चर्चा की गई। जो JJ एक्ट में संशोधन हुए हैं उस पर चर्चा की गई, जो पॉक्सो एक्ट की नियमावली है उस पर भी चर्चा की गई, और जो हमारे पुलिस बाल कल्याण अधिकारी हैं उनके समक्ष जो परेशानियाँ आती हैं व्यवहारिक, उसके संबंध में भी चर्चा की गई और उसका निराकरण बताया गया। स्पेशली ये कि सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं इससे संबंधित वो आपस में कोऑर्डिनेशन से चलें, और जब भी कोई फील्ड में जाए तो वो पुलिस के संज्ञान में लेके आए ताकि किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घटित ना हो पाए। इसमें जो बच्चा चोरी का आजकल अफवाह चल रही है बहुत ज़ोर शोर पे, उसमें भी चर्चा की गई कि किस तरह से जो पुलिस को उसमें कार्य करना है। इसमें एक DG प्रपत्र भी आया है, उसका अनुपालन कराने के लिए सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। भारत सरकार के द्वारा PFI संगठन को 5 साल के बैन करने पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले संगठनों के खिलाफ इसी तरह की होनी चाहिए कार्रवाई, आगे भी होती रहे कार्रवाई, तभी ऐसे संगठनों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। बच्चा चोरी करने वाले गिरोह के 7 अभियुक्तों को तिवारीपुर थाने व SOG टीम ने किया गिरफ्तार। चोरी का बच्चा, 45,000 रुपए नगद, एक चार पहिया वाहन किया बरामद, SP सिटी ने किया खुलासा। सदर सांसद रवि किशन शुक्ला की तहरीर पर कमला बिल्डर के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा किया गया दर्ज, बकाया रुपए का चेक बाउंस होने पर दर्ज किया गया मुकदमा, SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। डेंगू लार्वा सर्विलांस सोर्स रिडक्शन के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम की संयुक्त टीम ने चलाया अभियान। लगभग 173 घरों पर 16 दुकानों में डेंगू के लार्वा पाए जाने पर दिया गया नोटिस, कराया गया एंटी लार्वा का छिड़काव और डस्टिंग, कहा डेंगू से बचने के लिए जनता को प्रचार प्रसार के जरिए किया जा रहा है जागरूक। जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक सांसद कमलेश पासवान की अध्यक्षता में हुई संपन्न, कहा शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का कराया जाए व्यापक प्रचार प्रसार, ताकि जनमानस को शासकीय योजनाओं की बेहतर हो सके जानकारी। SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में SJPU व AHTU की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक हुई संपन्न, कहा महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन SOP अनुसंधान एवं अभियोजन, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा विवेचक के समक्ष आ रही समस्याओं पर हुई चर्चा, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन बुधवार को जगत जननी माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा देवी का गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में विधि विधान से पूजन अर्चन हुआ संपन्न, आरती एवं क्षमा प्रार्थना के बाद वितरित किया गया प्रसाद। महान
क्रांतिकारी अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अर्पित किया श्रद्धा सुमन। MLC एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, इन सेनानियों ने जो सपना देखा था उनको पूरा करने के लिए सभी को होना चाहिए संकल्पित। मादक पदार्थों के साथ दो अभियुक्तों को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 8 किलोग्राम नाजायज गांजा किया बरामद, भेजा जेल। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर बौद्ध संग्रहालय में गोरखपुर विषय पर छायाचित्रों की लगाई गई प्रदर्शनी। लोगों ने प्रदर्शनी में पहुंचकर प्रदर्शनी का लिया आनंद। और न्यू आयुक्त न्यायालय अधिवक्ता समिति का शपथ ग्रहण समारोह MLC देवेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सकुशल हुआ संपन्न। जनार्दन श्रीवास्तव अध्यक्ष, राम प्रवेश यादव मंत्री सहित अन्य सदस्यों ने पद व गोपनीयता की ली शपथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन बुधवार प्रातःकाल जगत जननी माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप में माँ चंद्रघंटा देवी का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में सुबह 4 से 6 बजे एवं सायंकाल में समस्त अनुसंधान गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने किए। इसके साथ ही दुर्गा मंदिर शक्तिपीठ के गर्भगृह में श्रीमद देवी भागवत का पारायण पाठ एवं श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ भी जारी रहा। दोनों पूजन सत्रों में गौरी गणेश की आराधना के साथ सभी देव विग्रहों का षोडशोपचार भी पूजन किया। आरती एवं क्षमा प्रार्थना के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। समस्त अनुसंधान मंदिर के मुख्य पुरोहित पंडित रामानुज त्रिपाठी की उपस्थिति में की गई। इसके साथ ही पावन शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में एक विशेष अनुसंधान के क्रम में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की चरण पादुका का पूजन किया गया। संस्कृत विद्यापीठ के 151 वेद पाठी छात्रों ने पुरोहितों एवं आचार्यगण के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच चरण पादुका का पूजन का अनुष्ठान पूर्ण किया। इस अवसर पर योगी धर्मेन्द्रनाथ, द्वारिका तिवारी, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, डॉक्टर रोहित मिश्र, पुरुषोत्तम चौबे, नित्यानंद तिवारी, शुभम मिश्र, शशांक पांडे, विनय गौतम सहित संस्कृत के छात्र उपस्थित रहे।
अधिकारी अमर शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह द्वारा कार्यकर्ताओं ने बेतिया हाता स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया, जिसके संबंध में विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि बलिदान से आजादी की अलख जगाने वाले महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह की बताए हुए मार्गों पर चले, यही प्रेरणा हम सबको मिले। भगत सिंह जी भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इनके त्याग तपस्या के बदौलत ही देश को आजादी मिली। हम सभी को इन सेनानियों ने जो सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए संकल्पित होना चाहिए, यही इन महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मां भारती के वीर सपूत देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद भगत सिंह का जन्म दिवस मना रहे हैं। भगत सिंह ने अपना जीवन त्याग अंग्रेजी शासन के प्रभुत्व के खिलाफ और देश को दासता से मुक्त कराने के लिए किया था। देश के प्रति इनकी सच्ची निष्ठा और अटूट भक्ति करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करती रहेगी और उनको हमेशा यह देश याद करता रहेगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, महानगर महामंत्री अच्युतानंद शाही, मंडल उपाध्यक्ष सिद्धांत घोष, आशुतोष पांडे, मनीष चंद्र पांडे, राजेश सिंह, सचिन गुप्ता, कृष्ण कुमार, अजय सिंह, अंकित गुप्ता, गजेंद्र सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, आज भारत माँ को आज़ादी दिलाने वालों में एक नाम जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माँ के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, ऐसे शहीद भगत सिंह जी की जन्म जयंती है। पूरे देश भर में शहीद भगत सिंह जी को याद किया जा रहा है। 3 दिन पहले जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कहते हुए उन्होंने शहीद भगत सिंह जी को याद किया था और उन्होंने कहा था कि ये स्वर्णिम दिन है जब भारत माँ की आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भगत सिंह का जन्मदिन जहाँ 28 तारीख को आज पूरा देश मना रहा है, वहीं चंडीगढ़ का एयरपोर्ट आज शहीद भगत सिंह जी के नाम से देश को समर्पित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर के सभी कार्यकर्ता महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी के नेतृत्व में आज शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किए हैं, उनको पुष्पांजलि किए हैं। उनको हमेशा यह देश याद करता रहेगा। हमारे बीच में भगत सिंह नहीं हैं लेकिन उन्होंने जो देश के लिए किया है वो हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा रहेगा। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके श्री चरणों में पुष्पांजलि करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। राजघाट थाने की पुलिस ने मादक पदार्थों के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान नंदलाल निषाद पुत्र बैद्यनाथ निषाद निवासी अमरुद मंडी चक्रा अव्वल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर, दूसरा सोनमती निषाद पुत्री स्वर्गीय जितेंद्र निषाद निवासी अमरुद मंडी चक्रा अव्वल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 8 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया है। राजघाट थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में टीपी नगर चौक के प्रभारी कुंवर गौरव सिंह, कांस्टेबल पवन कुमार यादव, अशोक यादव, मनोज सिंह, मनीषा आनंद, महिला कांस्टेबल अनु सिंह शामिल रहे।
राजकीय बौद्ध संग्रहालय के द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन के दृष्टि में गोरखपुर विषय पर छाया चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके संबंध में बौद्ध संग्रहालय के उपनिदेशक मनोज कुमार गौतम ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर यह प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका विषय है गोरखपुर और पर्यटन। उन्होंने कहा कि गोरखपुर पर्यटन की दृष्टि से बहुत तेजी से बदल रहा है, यहाँ पर पर्यटन की बहुत संभावना है, इसी विषय को लेकर गोरखपुर पर्यटन स्थल को दर्शाया गया है। गोरखपुर में पर्यटन की दृष्टि से नौकायन, रामगढ़ताल, शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र, बौद्ध संग्रहालय, बुढ़िया माता मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस जो कि यहां पर पर्यटन की दृष्टि से मुख्य है, सरकार गोरखपुर में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बौद्ध संग्रहालय के उपनिदेशक मनोज कुमार गौतम ने कहा, मनोज कुमार गौतम उपनिदेशक राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर जी। बिल्कुल 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पे प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका विषय है गोरखपुर एवं पर्यटन। गोरखपुर निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से बदल रहा है और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, इन्हीं विषयों को लेकर के गोरखपुर के पर्यटन के ऊपर फोकस किया गया है इस प्रदर्शनी में। गोरखपुर में आप देखेंगे तो पर्यटन के दृष्टि से नौकायान, रामगढ़ ताल, चिड़ियाघर, बौद्ध संग्रहालय, बुढ़िया माई, गोरखनाथ मंदिर, इसी तरह से तमाम चीज़ें यहाँ पे विकसित हो रही हैं और गोरखपुर को पर्यटन का हब बनाने की पूरी कोशिश चल रही है और इसमें पर्यटक गोरखपुर में आ रहे हैं और आकर्षित हो रहे हैं। इसको लेकर के होटल की तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, जो हॉस्पिटलिटी है उनको दी जा रही है, जिससे गोरखपुर में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और गोरखपुर पर्यटन के दृष्टि से कैसा है उसी को दिखाने का प्रयास किया गया है। न्यू आयुक्त न्यायालय अधिवक्ता समिति का शपथ ग्रहण MLC देवेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सभागार में सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने सभी पदाधिकारियों को उनके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसमें जनार्दन प्रसाद श्रीवास्तव को अध्यक्ष, ठाकुर वीरेंद्र श्रीवास्तव को उपाध्यक्ष, नंदलाल मणि त्रिपाठी को कनिष्ठ उपाध्यक्ष, राम प्रवेश यादव को मंत्री, भूपेंद्र यादव को प्रशासनिक संयुक्त मंत्री, गौरव मणि त्रिपाठी को कोषाध्यक्ष तथा शारदा यादव, विकास तिवारी राज, निशांत शुक्ला, हबीब जफर, रत्नाकर द्विवेदी को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, आज सवेरे किया क्योंकि चुनाव इनका नजदीक आ चुका है। आप लोगों से हम इनके स्वागत के पहले निवेदन करना चाहेंगे। इस क्रम में मैं सबसे पहले अपने माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी MLC का स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं के मंत्री श्री सत्य प्रकाश बहुत बधाई।
नाम पढ़ना है और अपने पिताजी का नाम, बाकी सब लिखा पुत्र श्री ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित करूँगा न्यू आयुक्त न्यायालय अधिवक्ता समिति गोरखपुर के पदनाम पद की जिम्मेदारी एवं दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करूँगा और अधिवक्ता एवं अधिकारियों के हित में सदैव तत्पर रहूँगा। कमिश्नरी बार एसोसिएशन के नई कार्यकारिणी का निर्वाचन हुआ है, सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और यह विश्वास व्यक्त करता हूँ कि निर्वाचित पदाधिकारी व अधिकारियों और अधिवक्ताओं के हित में ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्य करते रहेंगे। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। भारत सरकार के द्वारा पीएफआई संगठन को 5 साल के बैन करने पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले संगठनों के खिलाफ इसी तरह की होनी चाहिए कार्रवाई, आगे भी होती रहे कार्रवाई, तभी ऐसे संगठनों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। बच्चा चोरी करने वाले गिरोह के 7 अभियुक्तों को तिवारीपुर थाने व एसओजी टीम ने किया गिरफ्तार। चोरी का बच्चा, 45,000 रुपए नगद, 1 4-पहिया वाहन किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। सदर सांसद रवि किशन शुक्ला की तहरीर पर कमला बिल्डर के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा किया गया दर्ज, बकाया रुपए का चेक बाउंस होने पर दर्ज किया गया मुकदमा, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। डेंगू लार्वा सर्विलांस सोर्स रिडक्शन के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम की संयुक्त टीम ने चलाया अभियान। लगभग 173 घरों पर 16 दुकानों में डेंगू के लार्वा पाए जाने पर दिया गया नोटिस, कराया गया एंटी लार्वा का छिड़काव और डस्टिंग, कहा डेंगू से बचने के लिए जनता को प्रचार प्रसार के जरिए किया जा रहा है जागरूक। जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक सांसद कमलेश पासवान की अध्यक्षता में हुई संपन्न, कहा शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का कराया जाए व्यापक प्रचार प्रसार ताकि जनमानस को शासकीय योजनाओं की बेहतर हो सके जानकारी। एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में एसजेपीयू व एएचटीयू की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक हुई संपन्न, कहा महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन एसओपी अनुसंधान एवं अभियोजन, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा विवेचक के समक्ष आ रही समस्याओं पर हुई चर्चा, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन बुधवार को जगत जननी माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा देवी का गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में विधि विधान से पूजन अर्चन हुआ संपन्न, आरती एवं क्षमा प्रार्थना के बाद वितरित किया गया प्रसाद। महान क्रांतिकारी अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अर्पित किया श्रद्धा सुमन। एमएलसी एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, इन सेनानियों ने जो सपना देखा था उनको पूरा करने के लिए सभी को होना चाहिए संकल्पित। मादक पदार्थों के साथ 2 अभियुक्तों को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, 8 किलोग्राम नाजायज गांजा किया बरामद, भेजा जेल। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर बौद्ध संग्रहालय में गोरखपुर विषय पर छायाचित्रों की लगाई गई प्रदर्शनी, लोगों ने प्रदर्शनी में पहुंचकर प्रदर्शनी का लिया आनंद। और न्यू आयुक्त न्यायालय अधिवक्ता समिति का शपथ ग्रहण समारोह एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सकुशल हुआ संपन्न, जनार्दन श्रीवास्तव अध्यक्ष, राम प्रवेश यादव मंत्री सहित अन्य सदस्यों ने पद व गोपनीयता की ली शपथ। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।